हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल हिंदी गुरु जी। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है बड़ी खुशखबरी आ चुकी है स्वास्थ्य विभाग वालों के लिए। जी हाँ फ्रेंड्स, यूपी की एएनएम भर्ती का यहाँ पर एक जो है न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ आई हुई है, जिसमें फ्रेंड्स बताया गया है कि स्वास्थ्य विभाग में 9000 एएनएम की भर्ती निकलने वाली है। तो इसमें पूरी डिटेल के साथ जानेंगे, जो न्यूज़पेपर में बताया है कि इसमें जो भर्ती करवाने वाला है वो बोर्ड कौन सा रहेगा, कितनी भर्ती है इसमें, सब कुछ देखेंगे। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दें और टेक्निकल हिंदी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो न्यूज़पेपर है वो हिंदुस्तान का न्यूज़पेपर है, ठीक है। और इसमें जो है 4 फरवरी 2020 को ये जो है अपडेट दिया था, आप यहाँ देख सकते हैं 11 नंबर पेज पर यहाँ पर दिया है। सबसे नीचे जब आप आएंगे तो आने के बाद यहाँ देख सकते हैं आप स्वास्थ्य विभाग में 9000 एएनएम भर्ती होंगी, ठीक है। हम इसको देखते हैं हाईलाइट करके थोड़ा। तो फ्रेंड्स, यहाँ देख सकते हैं आप न्यूज़पेपर में स्वास्थ्य विभाग में 9000 एएनएम की भर्ती होंगी। हिंदुस्तान का पेपर है, ठीक है, लखनऊ से न्यूज़ को प्रकाशित किया गया था। यहाँ देख सकते हैं क्या बताया गया है कि इंटर पास कर नर्सिंग का कोर्स करने वाली महिलाओं के लिए एक अच्छी खबर है। प्रदेश में जल्द ही 9000 एएनएम की भर्ती होंगी। स्वास्थ्य विभाग ने लंबे अरसे में खाली चल रहे 9000 एएनएम पदों को भरने के लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को प्रस्ताव भेज दिया गया है। प्रस्ताव के साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने आयोग से जल्द ही एएनएम का चयन करने के लिए कहा है। एएनएम के 23,650 पद हैं। इंटर साइंस की बाध्यता यहां पर जो है बताया गया है कि ख़त्म कर दी गई है। सरकार ने एएनएम की सेवा के लिए नियमावली भी बना ली है। एएनएम के लिए 2 साल के नर्सिंग के कोर्स के साथ इंटर साइंस की अर्हता मांगी जाती थी, लेकिन अब किसी भी वर्ग से इंटर करने वाली महिलाओं को 2 साल नर्सिंग कोर्स के साथ एएनएम के लिए योग्य कर दी गई है। इंडियन नर्सिंग काउंसिल के तहत 2 साल नर्सिंग कोर्स के साथ 1.5 साल का कोर्स और 6 महीने की मैटरनिटी कोर्स शामिल है। 18 से 40 साल तक की उम्र की महिलाएं जो हैं वो एएनएम के लिए आवेदन कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स, ये आया है कुछ न्यूज़पेपर में। इसके लिए जैसे कोई नोटिस आता है ऑफिशियल वेबसाइट पर तो मैं आपको जरूर वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद। वीडियो और कोई दिक्कत प्रॉब्लम हो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।